फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बालू और गिट्टी के नाप के बारे में। बालू और गिट्टी का नापने का क्या सही तरीका होता है, किस तरीका से बालू और गिट्टी नापा जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको फ्रेंड पूरा जानकारी मिलेगा बालू और गिट्टी नापने का क्या सही तरीका होता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए बालू नापने का, कि बालू नापने का कितना नाप आता है। तो बालू नापने का जो नाप आता है हमारा, वो तीन नाप आता है। तीन तरीका से आपका बालू का नाप दिया जाता है। पहला नाप क्या होता है? पहला नाप होता है 17-28 का, दूसरा नाप होता है 15-84 का, तीसरा नाप होता है 14-40 का। ये नाप कैसे निकलता है आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, किस तरीका से ये नाप बनता है, किस तरीका से ये नाप का मतलब क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हमें किसी भी ट्रॉली को, अगर बालू को नापना चाहिए हम कि हमारा ट्रॉली में कितना बालू आया, तो हमें ट्रॉली का लंबाई, चौड़ाई और जो हाइट होता है डेप्थ, वो नापना है। तो एग्जांपल के लिए ये हमारा एक ट्रॉली आया, ट्रॉली का हमारा लंबाई कितना आया है, ये हमारा 10 फुट 6 इंच है। तो हमें सैंपल यहाँ पे 10 फिट 6 इंच लिख लेना है। ट्रॉली का चौड़ाई, चौड़ाई जो आया हमारा ट्रॉली का, वो आया है 4 फिट 8 इंच। और जो ट्रॉली का हमारा थिकनेस है, वो है हमारा, जो हमारा डेप्थ है यानी ट्रॉली जो हमारा हाइट है ट्रॉली का, वो आया है 2 फिट 2 इंच। तब ये आ गया हमारा ट्रॉली का नाप, इतनी लंबाई चौड़ाई हाइट का हमारा ट्रॉली आया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा इंच पे आया, ये हमारा फिट पे आया, तो दोनों को हमें या इंच में करना है या फिट में करना है। तो अगर इंच में करने थे ये तो आसान रहता है निकालने का। तो सिंपल हमें ये 10 फिट को इंच में करना है। 10 फिट को अगर इंच में करते हैं, फिट को, तो आपको 10 इंच को फिट में, इंच में करने के लिए आपको 10 गुना 12 करना है। 10 गुना अगर 12 करते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, 120 इंच। 120 इंच ये निकलेगा 10 फिट का। तो हमारा ये आ गया 120 इंच, प्लस इसमें 6 इंच ये है पहले से, तो इसमें 6 इंच अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 126 इंच। 126 इंच आ गया। अब ये 4 को अगर फिर फिट, ये 4 फिट को इंच में करने से कितना आएगा हमारा, 72 इंच। 72 इंच को अगर फिर से प्लस करते हैं हम, यहाँ पे हमारा 8 इंच, 8 इंच को यहाँ पे प्लस कर दिए, कितना आ गया टोटल, 80 इंच। ये 80 इंच आ गया। अब ये दो फिट को अगर इंच में करते हैं, तो 2 फिट को 12 दुना 24 और 2 कितना आ गया, 26। टोटल हमारा 26 इंच आ गया। 24 इंची प्लस 2 इंची तो बराबर आ गया 26 इंची। ये हमारा इंच में कन्वर्ट हो गया, तीनों नाप इंच में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो इंच में आ गया, अब क्या करना है हमें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों इंच को गुना करना है। तो सैंपल कितना इंच आया पहले हमारा, ये हमारा लंबाई है कितना इंच का है, वो है 126 इंच, और जो हमारा चौड़ाई है वो है कितना, 80 इंच। 80 इंच जो हमारा हाइट है वो आया है 26 इंच। 26 इंच तीनों को अगर बराबर कर देते हैं हम, तो टोटल कितना निकल के आएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 262,080। 262,080 ये हमारा इंच क्यूब आया, इंच क्यूब आया, इंच क्यूब आया, ये हमारा 262,000 इंच क्यूब आया। अब हमें इसे फिट क्यूब में बदलना है,
ये से फीट क्यूब में बदलना है, इंच के क्यूब में आया है, तो हमें जो सेफ्टी बोलते हैं उसमें निकलना है, इस सेफ्टी में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए ये जो आपको पहले हम बताए थे 3 नाप, ये नाप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये नाप क्या होता है, ये नाप हो जाता है हमारा, जैसे कि हम अगर इसको फिट में बनाते हैं तो इसको हमें 12 से डिवाइड करना है, तो ये फिट में बदल जाएगा। इसे हमें अगर 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये फिट में बदल जाएगा। इसी प्रकार से इसी को भी हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा फिट में बनेगा। इसी प्रकार से इसे भी अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं 26 इंच को, ये भी हमारा फिट में बनेगा। तो हम तीनों को एक ही साथ अगर डिवाइड कर देते तीनों को, तो 12 12 डिवाइड 12 12, तीनों को अगर हम गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 17 28। ये नाप निकल गया 17 28, तो ये नाप क्या आया 12 12 12 का, एक नाप हो गया ये 12 12 12 का 12 12 का एक नाप हो गया। अगर 12 की जगह इसमें हम यहाँ पे 11 ऐड करते हैं, 12 की जगह यहाँ पे अगर 11 ऐड करते हैं तो कितना नाप आ जाएगा, 15 84। 12 गुने 12 गुने 11 तो कितना आ जाएगा, 15 84। ये नाप हो गया एक। तीसरा नाप यहीं पे अगर हम इसको हटाकर 10 कर देते हैं, 12 गुने 12 गुने 10, तो ये आ जाएगा हमारा 14 40। तो ये होता है 3 नाप। आपको पहले बालू लेने, जब बालू लेने जाओगे तो आपको उसको कॉन्ट्रेक्टर से पूछना है कि आपको कितना का नाप मिलेगा, 12 12 का मिलेगा या 12 12 11 का मिलेगा या 12 12 10 का, किसका नाप दिया जाता है आपको। तो अगर 12 12 का नाप है तो ये आएगा नाप आपका कितना, 17 28 से आपको 17 28 से डिवाइड करना है। तो 17 28 से अगर डिवाइड करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 151 CFT, 151 CFT। अगर इसी को हम डिवाइड करते हैं फिर 15 84 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 165 CFT, 165 CFT। तो इस लगभग 14 CFT आपका पड़ गया। और एक नाम बताया था और आपको, ये 14 10 का, अगर हम इसका नाम देते हैं 14 40 का, तो आपका कितना सेफ्टी आएगा, ये आ जाएगा 182 CFT का, सेफ्टी का ये 3 नाप आ जाएगा। तो ये 3 नाप होता है। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट आया है, ट्रॉली में बालू इतना ही आया, फिर नापने की वजह से ये तीनों डिफरेंट आए। एक में आएगा 151 CFT, एक में आ गया 165 CFT, एक में आ गया 182 CFT। तो ये 3 नाप है। तीनों नाप किस तरीका से निकाला गया, ये नाप ऐसे ही निकलता है कि आपको सीधा दुकानदार से पूछना आपके किस नाप से दिया जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।